अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। कराची से कोटद्दू वाया डीजे खान हमारा सफ़र जारी है। एफएम एनएसटीसी के हाइगर डबल क्लास में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। कराची से इस गाड़ी का डिपार्चर टाइम 5:45 पर है। पहले ट्रिप में मैं आपको डिपार्चर टाइम भी बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, सहूलियात के बारे में बता चुका हूँ। FMSTC की तरफ से आपको रिफ्रेशमेंट बॉक्स दिया जाता है जिसमें तकरीबन 50 रुपये की मालियत की चीज़ें होती हैं। वाईफाई भी इनकी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, मगर बदकिस्मती से जिस गाड़ी में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ इसमें वाईफाई नहीं चल रहा। हर सीट के साथ टैब भी होता है और रास्ते में एक टाइम का आपको एक खाना देते हैं, चाहे रात का खाना दें या सुबह का खाना दें। किराए की बात करते चलें तो डीजी खान का 3500 रुपीज़ किराया है, कोटद्दू का 3700 रुपीज़। 10 बज रहे हैं रात के, सकरण बाईपास से हम गुजर रहे हैं। सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं FMSTC की हाई गेयर बस, ये कराची से लाहौर जाने वाली बस है। उम्मीद करता हूँ कि तकरीबन सब चीज़ें मैंने आपको बता दी होंगी, कोई चीज़ छोड़ी नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। अगर आपने FMSTC की फैसल मूवर्स की बुकिंग करवानी है तो बुक करो ऐप से भी आप बुकिंग करवा सकते हैं, और इनका UAN नंबर है 03111224888, उसके ऊपर भी आप कॉल करके सीट बुक करवा सकते हैं।
मोरो से थोड़ा से पहले सुपर मदीना होटल आता है, वहाँ पर तकरीबन 15 मिनट के स्टॉप के अनाउंसमेंट की और तकरीबन 25 से 30 मिनट का स्टॉप हो गया। स्पेशल मूवर्स लाहौर टाइम भी हमारे साथ ही था। यहाँ से थोड़ा सा आगे इनका अपना टर्मिनल है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्यों स्टॉप किया, यहाँ पर क्यों स्टॉप किया। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह के पर पर्सन चार्जेस भी ले रहे थे 20 रुपये, जबकि आगे टर्मिनल पर इस तरह के कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं, और वो टर्मिनल पर वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरे भी होते हैं। पीछे हैदराबाद में भी टर्मिनल पर ये नहीं रुके थे, तो चले ठीक है समझ में आता है, पीछे लेट आ रहा था तो टाइम बचाने के लिए टर्मिनल पर नहीं गया और ऐसे आगे निकला। लेकिन यहाँ मोरो में तो टर्मिनल पर रुकना चाहिए था ताकि मुसाफिरों को साफ़ सुथरे वॉशरूम्स मिलते। यहाँ पर खाने वगैरह का स्टॉप नहीं था, कंपनी की तरफ से खाना नहीं दिया गया, बल्कि अनाउंसमेंट हुई कि आप फ्रेश हो लें, किसी ने नमाज़ पढ़नी है तो नमाज़ पढ़ ले, उसके बाद आगे हम इकबालाबाद में देख लेंगे। मोरो टर्मिनल पर मुसाफिर नहीं उतरे, अलबत्ता दो मुसाफिर मोरो टर्मिनल से बस में बैठे, और FMSTC के लाहौर टाइम ने भी वहाँ ब्रेक लगाई, मुसाफिर उठाए और फिर वो भी रवाना हो गया। अभी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा भी।